तो भाई रमज़ान स्पेशल टिकटॉक्स का रिएक्शन आ चुका है। हर साल हम रमज़ान में इस तरह का एक दो वीडियोस तो लाते ही हैं, तो इस बार भी इस बार पहला वीडियो थोड़ा लेट हो गए। लेट्स बिगिन हियर वी गो। अजान होने लगी, चलो नमाज पढ़ने चलते। अरे ईशान भाई। हाँ। अरे भैया कहाँ? मस्जिद जा रहा हूँ यार, बहुत गर्मी हो रही, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है यार। हाँ गर्मी तो हो रही है। सूरज तो देखो यार, सूरज सर पे आ गया। हाँ धूप भी बहुत तेज है यार, ऐसी गर्मी में गला सूख जाता है। हाँ ये तो है, रोजा होगा इसलिए तो रोजा नहीं रखा। यार हद है। ये लोग सब रखते हैं, देखियो इस बार उनके भी पूरे नहीं हो पाएंगे। अरे गर्मी बहुत है यार। मेरे भाई हमारे इरादे इन गर्मियों पर भारी पड़ेंगे, हमारे हौसले उसमें खुदा की मोहब्बत हमारे गले को तर करेंगे। चाहे सूरज जमीन पर क्यों ना उतर आए, देखना इंशाल्लाह रोजे पूरे ही रखेंगे। भाई रोजे रखने के लिए नियत जरूरी होती है। ये बात तो सही है। ये जो डायलॉग मारा है इन्होंने कि गर्मी बहुत है, बट सच बताओ ना, मेरा ऐसा भी हुआ है कि मैं सहरी बिल्कुल चूक गया, एंड टाइम पे उठा, तब भी मैंने रोजे रखे हैं। और यकीन मानो पूरा दिन मुझे मालूम ही नहीं लगा प्यास की, एक जरा भर भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मुझे प्यास लग रही है। सोचो, और दो बार ऐसा हो चुका, मैं बिल्कुल एंड टाइम पे उठाऊँ शहरी में, और दोनों बार मैं ना पानी पी पाया ठीक से, ना कुछ कर पाया, और रख लिया रोजा। और जो लोग नहीं रखते वो यही बोलते जो ये बंदा बोल रहा था। हाँ। जो लोग सब रखते हैं, देखियो इस बार उनके भी पूरे नहीं हो पाएंगे। अरे गर्मी बहुत है यार। या अल्लाह बस पैसा गाड़ी, एक सेकंड पहले दूसरों के लिए मांग लेते, या अल्लाह ताला सबको खुश रख, एक मिनट इतनी नेमतें दी अल्लाह ने पहले शुक्र अदा करते, थैंक यू अल्लाह, एक मिनट पहले अपने गुनाहों की माफी मांग पापी औरत, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह मियां यार प्लीज पीसा दिखवा दे यार, प्लीज प्लीज अल्लाह मियां यार, यार आप ही कर सकते हैं, प्लीज यार प्लीज प्लीज यार, या मेरे रब अगर एग्जाम में पास होगी तो 70 गरीबों को खाना खिलाऊंगी। एक मिनट मैं वैसे भी खा रही हूँ, सॉरी अल्लाह मियां, सॉरी आई एम सो सॉरी। होता है ये मेरे बहन भाई यहाँ क्यों आ रहे इस कमरे में बताओ, मैं नहीं रो रही है, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, सुकून से खुदा से मुझे दुआ करो, तो रो के क्या करते हो तुम लोग, एंबैरेसमेंट से मर जाऊंगी मैं यहाँ पे। होता है भाई आसपास देख के मन भी करते ना। अल्लाह मैं जो फजर में मांगा था ना वही दे दो प्लीज, थैंक यू। नहीं अल्लाह ताला आप ही बताएं मुझे क्या जरूरत है शकीला को मुंह खोलने की, अम्मा तो मुझे गलत समझेगी, मैं अब मैं क्या करूँ, मेरा तो दिल साफ है ना, मेरा तो दिल साफ है। अल्लाह ताला प्लीज अली को मेरा कर देना, बस सली और मैं हमेशा ऐसे ही साथ रहे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला मुझे पता है बहुत हर्ट करता है, मुझे जिंदगी भी करता है। ओके मम्मी मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। इफ्तारी, ओह सिगरेट, ये तो जरूरी है, तो लड़कियाँ ये करती है। बर्तन धोना पड़ता है। आजकल की तो भाई लड़कियाँ भी इफ्तारी के बाद सिगरेट पीने निकलती है, मैंने देखा बहुत सारी लड़कियों को। पाकिस्तान में भी ऐसा है क्या, कमेंट करके जरूर बताना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत लोग करते हैं ऐसा, नमाज पढ़ते पढ़ते इधर उधर देखते हैं, है ना भाई? हाँ भाई। रोजा क्या सुनना पसंद करोगे? मगरिब की। अच्छा इफ्तार हो जाएगा ताकि अजान से। बोला कितना सही, बहुत सही यार। अल्लाह यार इतने भी क्या जल्दी। भाई ऐसे भी लोग होते भाई, थोड़ा सबर कर लो। अच्छा सुनो, तुम्हारी शादी करा रहा हूँ मैं। अरे बाबा मेरी तो ऑलरेडी शादी हुई है। शादी हुई एक साल हुआ है, अभी तक कोई औलाद नहीं है। बाबा अभी तो सिर्फ एक बस साल, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, खानदान में हमारी नाक कट रही है, मैं आज ही रिसीव साहब से बात करूंगा। भाभी अबू कहाँ है? अरे क्या हुआ अबू? बेटा क्या हुआ तुम्हें? अबू हमारे शौहर ने हमें छोड़ दिया। क्यों? हम उन्हें औलाद नहीं दे पा रहे, वो दूसरा निकाह कर रहे हैं। अच्छा उसकी ये कहाँ जा रहे हैं बाबा? अभी तो आप मेरा दूसरा निकाह करवा रहे थे ना, औलाद ना होने की वजह से अब खुद की बेटी पे आया तो गैरत जाग उठी। इमोशनल स्टोरी है। डाल कर अपने जिस्म से जान दे देता है, बड़ा ही मजबूत है वो बाप जो अपनी बेटी तुम्हें दे देता है। दूसरों की बेटी की इज्जत करो, सही बात है। मी बिफोर इफ्तार टाइम
हर छोटी छोटी चीज करके टाइम देख रहे हैं। पेपर से एक दिन पहले हमारी सारी गलतियों को माफ कर दे अल्लाह, हमारी सारी। बेटा आप शैतान से डरते हो? ओह नो, मैं क्यों डरूं कारी साहब, डरना तो आपको चाहिए, आप ही सारा दिन उसकी बुराइयां करते रहते हैं। सही था शहीद खान। मस्त गाते हैं यार ये भी, इतना अच्छा सिंगर है, मुझे नहीं आइडिया था इसका, सच में गा भी सकते हैं। हाँ यार, मिस्टर फेजू डोंट स्पेंड रमजान स्लीपिंग व्हाइल फास्टिंग। मिस्टर फेजू को बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ मैं। ट्रांजिशन अच्छा था, ये भी कहाँ से कहाँ पहुँच गया यार टिकटॉक बना बना के, लंबोर्गिनी और इतनी महंगी महंगी कारों में घूम रहे हैं। ये तो है, ये मक्का मदीना का कशरी, वहाँ जाके ऐसे वीडियो बनाना अलाउ रहते क्या? हो सकता अलाउ होगा तभी बना पा रही। ओह माशाल्लाह, एक बात कहना चाहूँगा, पहले मैं मुझे ऐसे वीडियो पसंद नहीं आते थे कि यार वहाँ गए हो तो इबादत कर लो, ये क्या वीडियो बना रहे हो, लेकिन अब मुझे एक पॉजिटिव तरीके से सोचो तो ये लगता है कि इस तरीके से अगर वीडियोस डाल रहे हैं ना तो एक तो इंसान बहुत गंदे गंदे वीडियोस चल रहे हैं नेट पे तो उससे अच्छा ये देख लेगा, उसके बाद एक अंदर दिल में आएगा कि यार मुझे भी जाना चाहिए, भी जा पाऊँ, तो वो एक अपना दिल करेगा वहाँ जाने का, तो उस लहजे से ये अब मुझे इस तरह के वीडियो अच्छे लगने लगे। जैसे फेजू वाला भी था, उन्होंने भी अच्छा एक स्मार्ट मैसेज दिया है वहाँ पर, अगर बात करें तो उन्होंने वो जो कि रमज़ान में रोज़ों में सो के रमज़ान मत बिताओ, इबादत करके बिताओ यार, नमाज पढ़ के बिताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, हलाल और हराम। सलाम वालेकुम दोस्तों, देखो ये हराम और हलाल दिखाता है। हराम और हलाल फिल्टर, मतलब हलाल क्या है इसमें? फादर डॉटर का लग रहा है कुछ, है ना? बच्ची बोल रही है तो ऑब्वियसली फादर ही हो। वो झूठ बोलता है कि उसको भूख नहीं लगती, वो झूठ बोलता है कि उसको रोना नहीं आता। वो झूठ बोलता है कि वो कभी थकता नहीं है। क्या बात है यार, इस वीडियो मुझे रोना आ गया, सच में बहुत हार्ट टचिंग वीडियो था ये। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आजकल फादर्स को भी क्रेडिट दिया जाने लगा है, मतलब पहले सिर्फ मदर्स को दिया जाता, मदर भी बहुत सेक्रीफाइस करती है अपने बच्चों के लिए, नो डाउट, लेकिन उनको उसका वो मिलता है, लोग अप्रिशिएट करते, लेकिन फादर को इतना नहीं करते थे आज, लेकिन अब होने लगी ये चीज़ें, इस तरह की वीडियोस बेसिकली सब माँ के ऊपर बहुत बनते थे, लेकिन अब फादर जमाने से बनते आ रही है माओ पे, मेरी माँ मेरी माँ, लेकिन डैडी यानी कि फादर जो होते हैं उन पे बहुत ही कम उनको तवज्जो दी जाती है कि उन्होंने भी कुछ कुर्बानियाँ दी, कि जितना माँ कुर्बान करती है ना, आप लोग सोचते हो कि 9 महीने माँ पेट में रखती है, वो 9 महीने बाप का दिमाग कभी देखा है ट्रोल के कि उसके दिमाग में क्या चलता रहता है, वो 9 महीने वो भी उतना ही परेशान होता है, वो जिंदगी भर वो आने से पहले से लेके उसकी ज़िंदगी तक जब तक वो जी रहा है तब तक बाप परेशान होता है। सही, चलो अच्छा, ये वीडियो रमज़ान से रिलेटेड नहीं है लेकिन अच्छा था। अच्छा, चलो आगे देखते हैं। सिर्फ सुअर और सूद खाना ही हराम नहीं है, अपनी बहन बेटी की जायदाद और विरासत का हिस्सा खाना भी हराम है। सही है, आजकल इंडिया में भी रूल हो गया है कि भाई देना पड़ेगा। बा ता सा सुना, तू सुना, अरे तू सुना। क्या बात है, अरे तू सुना, अरे तू सुना।
अच्छा पढ़ मस्त यार बच्चा। अरे तू पढ़ बहुत सही था बहुत सही। ये कौन सी यूनिवर्सिटी या स्कूल है? स्कूल लग रहा है, स्कूल है। यूनिफॉर्म पहना हुआ, पता नहीं कहाँ का स्कूल है, किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना कहाँ का स्कूल। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग, हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे, पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए, इस्लाम प्रेम मैसेज। क्या बात है। और भाई ईशान भाई बढ़िया, कहाँ जा रहे हो? माँ को मार्केट लेके जा रहा हूँ। क्या यार, माँ को हर जगह अपने साथ लिए फिरते हो? यार एक बात बताओ, माँ को इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया जाता है? अच्छा इधर आओ तुम। इसे पकड़ो। अब जाओ और आधे घंटे के बाद आना, फिर बताऊंगा। ठीक है। अरे यार दो कदम नहीं चला जा रहा है, तुम आधे घंटे की बात कर रहे हो। तुम इस पत्थर को अपनी कमर से बांधकर दो कदम नहीं चल सके, और माँ हमें 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, आंधी हो या तूफान हमें जरा भी तकलीफ नहीं होने देती, और घर के सारे काम भी करती है, इसीलिए माँ को इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है। एक ही वीडियो में ना समझ था जो माँ को नहीं समझ पाया, बाकी समझाने का तरीका बढ़िया था। आप दुआ अरबिक में ही मांगे, आप अपनी लैंग्वेज में भी अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं। अल्लाह दुनिया की हर जुबान समझता है, अगर आप कुछ ना भी बोलें तो अल्लाह आपके दिल की ख्वाहिश को भी जानता है। बस आप अल्लाह से जो भी मांगें पूरे दिल से मांगें, अल्लाह से बातें किया करें। इस पूरी कायनात में आपको कोई इतनी अच्छी तरह नहीं समझ सकता जितना अल्लाह आपको समझता है। कोई इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी मोहब्बत अल्लाह आपसे करता है। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और इस पूरी उम्मत के लिए बेहतरीन दुआएं मांगा करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी दुआएं जरूर कबूल करेगा, क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। बहुत बढ़िया, नाइस मैसेजेस भाई। वीडियो सारे ही अच्छे थे इस बार के, सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस के साथ बहुत थे। बढ़िया। हमने फादर की बात की तो उसके बाद एक मदर वाला है जिसमें दिखाया है कि भाई माँ का सेक्रीफाइस जो होता है वो दिखाया है। आप लोग बताओ वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे आज का वीडियो तो लाइक शेयर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।